नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडलैब चैनल। मेरे इस मेडलैब चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है विटामिन ई कैप्सूल। इस कैप्सूल का कंपोजिशन क्या है, एमआरपी कितना है, इसका यूज किस किस पर्पस में आप लोग कर सकते हैं और साथ साथ इसका यूज करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और अगर आप लोग मेरे मेडलैब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए आप देख लेते हैं ये जो विटामिन ई कैप्सूल दोस्तों, ये इवन 400 mg में और इसके साथ साथ 200 mg, 600 mg और मार्केट में 800 mg भी दोस्तों मिलता है। ज़्यादातर दोस्तों आप लोग ये 400 mg का ही इस्तेमाल कीजिएगा विटामिन ई, क्योंकि ये बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों। ये जो यूवीएन 400 दोस्तों, इसमें विटामिन ई मिलता है आप लोगों को। ये विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में हो सकता है, क्योंकि दिन भर में दोस्तों आपको बॉडी में विटामिन ई का प्रयोजन होता है दोस्तों। वो आपको कभी कभी सही से डाइट नहीं ले पाने के कारण में दोस्तों आपकी बॉडी में विटामिन ई का कमी महसूस हो सकता है, उस टाइम दोस्तों आप इस इवन कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पैरों में दर्द हो सकता है, उसके लिए भी आप इस इवन 400 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर में भी इस इवन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन का दाग, धब्बा, रैशेस, रेड सर्किल, ब्लैक सर्किल आदि प्रॉब्लम के लिए भी आप लोग इस इवन 400 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन जल जाने के बाद भी दोस्तों उस इफेक्टेड एरिया को आप सही करने के लिए भी इस इवन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आंखों के नीचे में दोस्तों जो काले धब्बे दिखाई देता है उसके लिए भी इस इवन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में अगर विटामिन के का भी कमी का महसूस होता है उस टाइम भी आप इस इवन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन में दाग धब्बा या आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, तो आपके चेहरे पे पिंपल है तो उसको भी दोस्तों जड़ से मिटाने के लिए आप यूवीएन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी हेयर को सिल्की एंड शाइनिंग करने के लिए भी आप लोग यूवीएन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आइए आप जान लेते हैं इसका एमआरपी कितना है। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता है, ये 10 कैप्सूल एक स्ट्रिप में मिलता है, जिसका प्राइस आप लोगों को 27 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगी। तो एकदम बहुत दोस्तों सस्ता है और आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में ये आपको आसानी से मिल जाएगी, तो इसको खरीद कर आप इस्तेमाल कर सकते है। आइए आप बात कर लेते हैं इसका यूज कैसे किया जाए। दोस्तों अगर आपकी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, हाई प्रेशर है, स्किन के दाग है दोस्तों, या स्किन जल जाता है, उस सब क्षेत्र में दोस्तों आप इसको पानी के साथ सुबह एक और रात को एक कैप्सूल ले सकते हैं। या मान लीजिए आपको स्किन में दोस्तों टिश्यूज खराब हो जाने के कारण से दोस्तों आप इसको डायरेक्ट इसका जो कैप्सूल दोस्तों इसको जो लिक्विड है अंदर से उसको निकाल के आप अपने इफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपके बालों में भी इसको लगा सकते हैं। कोई भी दोस्तों हेयर ऑयल के साथ ये कैप्सूल एक या दो दोस्तों मिक्स करके आप इसको रात को यूज कर सकते हैं, तो आपका जो ये हेयर है दोस्तों ये शाइनिंग भी हो जाएगी और इसके साथ जो सिल्की भी हो जाएगी, तो इस चीज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गौर कर लेते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप ओवरडोज लेते हैं दोस्तों उस टाइम दोस्तों पेट में दर्द या आपकी स्किन में थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम या वोमिटिंग इस आदि प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर के सलाह लेना जरूरी है। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक बार मेरे मेडलैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।